लोकसभा देखिए, तो पहले से तय है, राजस्थान की जनता ने भी तय कर लिया, देश की जनता ने भी तय कर लिया कि इस बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और जब देश की जनता तय करती है तो निश्चित ही 400 के पार का जो नारा है, जो संकल्प है, पूरा हो जाता है, क्योंकि ये चुनाव जनता लड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के पिछले 10 सालों के विकास के मॉडल को देखते हुए सुपर स्पीड से भारत जो आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित ही 25 की 25 सीटें राजस्थान की आएगी और 400 के पार एनडीए गठबंधन इस बार देश में आएगी। जिस तरह भाजपा राजस्थान सरकार क्या प्रयास कर रहा है इस बार? देखिए, राजस्थान सरकार गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, पूरा मंत्रिमंडल इस बात के लिए संकल्पित है कि इस बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में जो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं उसको पूरा करना है। गरीब कल्याण की योजना जो वंचित और पात्र व्यक्ति तक सही समय पर मिले, उसके लिए भी हम सब प्रयास कर रहे हैं। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, उसके आधार पर काम कर रहे हैं और विकास को नई गति देने के लिए भी हम सब लोग मिलकर एक सामूहिक प्रयास के रूप में काम कर रहे हैं। क्या कुछ खास कार्यक्रम? मैं एक जालौर में कार्यक्रम है, मैं तो अभी चेन्नई से आ रहा हूँ, लेकिन जालौर में एक सामाजिक कार्यक्रम है, वहाँ जोगेश्वर जी जो हमारे मुख्य सचेतक है उनके साथ कार्यक्रम है, तो उसके बाद फिर जयपुर कल मंत्रिमंडल की मीटिंग।